न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के में हम एक थर्ड एग्जांपल और ले रहे हैं बेटा, एग्जांपल नंबर थ्री। सपोज देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन 3:2:1। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी विल गेट हिज ओरिजिनल शेयर। सी ओरिजिनल शेयर जो है वो लेगा, मीन्स डी के एडमिशन पर सी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और आप लोगों ने एक बात और भी पढ़ी है, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हो सकता है डी के आने पर सी को ऑब्जेक्शन हो, सी ना चाहता हो कि डी एडमिट हो। जब ए और बी ने सी से पूछा कि भाई क्यों नहीं चाहता तू डी एडमिट हो, तो सी ने कहा भाई डी के आने से मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। तब ए और बी ने सी को कहा कोई बात नहीं, आप सेक्रीफाइस मत करना, आप अपना ओरिजिनल शेयर लेना, सेक्रीफाइस हम दोनों कर देंगे ए और बी। तो इस पर सी राजी हो गया। अब जब सारे पार्टनर एग्री हो जाए तभी डी एडमिट हो सकता है, अदरवाइज डी एडमिट नहीं हो सकता। तो सी यहां पर एग्री हो गया और सी ओरिजिनल शेयर लेगा, सी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। और आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस केस को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म का टोटल शेयर आप वन मान ले, उसमें से सबसे पहले आप डी का शेयर माइनस तो करेंगे डी का शेयर, क्योंकि डी का शेयर फिक्स है, एज वेल एज सी का शेयर भी आप माइनस कर देंगे, क्योंकि सी का शेयर भी फिक्स है, क्योंकि सी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, वन में से सी और डी दोनों का शेयर माइनस कर दो। सी का शेयर आप देख सकते हैं 1/6 है और डी का शेयर भी 1/6 है, तो 1 में से आपने सी और डी का टोटल 2/6 माइनस कर दिया, रेस्ट आपके पास बच गया 4/6। ये जो 4/6 है ये 4/6 ए और बी का है। ए एंड बी विल डिवाइड इट इन देयर फ्यूचर रेशियो। इसे ए और बी अपने फ्यूचर रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रखा कि डी के आने के बाद ए और बी का फ्यूचर रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि उनका फ्यूचर रेशियो वही होगा जो पहले था। ए और बी का पहले रेशियो क्या था, 3:2, तो इसको वो 3:2 में बांट लेंगे। जो 4/6 बेटा ये बैलेंसिंग फिगर बचा है, इसे ए और बी अपने फ्यूचर रेशियो दैट इज 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। तो ए का न्यू शेयर कैसे निकाला जाएगा, जो 4/6 बैलेंस बचा है इसमें ए का शेयर है 3:2 के हिसाब से 3/5, इसका हम 3/5 कर लेंगे, ये हो गया 12/30। बी का न्यू शेयर 4/6 मल्टीप्लाई विथ 2/5, 8/30। सी का न्यू शेयर, सी का तो आपको जो फिक्स शेयर है वो बेटा दे ही रखा है 1/6, और डी का न्यू शेयर भी आपको फिक्स दे रखा है, कितने हिस्से के लिए वो एडमिट हुआ था 1/6। आप ध्यान से देखिए बेस आपके पास जा रहा है 30, तो इसमें 30 लाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम डी के केस में भी 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, आप चाहे तो एलसीएम लेकर भी इक्वल कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया 5/30 और ये भी आपके पास हो गया 5/30। अब आप देख सकते हैं सबका बेस इक्वल हो गया। अब आप न्यू रेशियो इसका बता सकते हैं कि ए बी सी और डी का नया रेशो क्या बनेगा बेटा, 12:8:5:5।
ये आपके पास ए बी सी डी का न्यू रेशियो आ गया। अब बात रहेगी इसमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो के लिए। सेक्रीफाइजिंग रेशियो के लिए फिर आप ध्यान से देखें, इसमें हमें नहीं बता रखा कि डी ने अपना हिस्सा किससे एक्वायर किया, तो हम यही मानेंगे डी ने अपना हिस्सा ए और बी से एक्वायर किया, क्योंकि सी ने तो साफ मना कर दिया सी विल गेट हिज ओरिजिनल शेयर। ना ही हमें यहां पर यह कह रखा है कि ए ने डी के फेवर में कितना सरेंडर किया, बी ने डी के फेवर में कितना सरेंडर किया, ना ही हमें ए और बी का कोई फ्यूचर रेशियो दे रखा है। तो यहां पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो ए और बी का ओल्ड रेशियो ही होगा, ए और बी का ओल्ड रेशियो यानी 3:2। बाकी आप इसको चेक करना चाहें तो आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आप ए का शेयर और बी का शेयर, उनका ओल्ड शेयर उसमें से उनका न्यू शेयर माइनस कर दें। ए का ओल्ड शेयर हमारे पास है 3/6 ओल्ड। ओल्ड बेटा हमेशा पूरा ही बताना, ये ओल्ड रेशियो है ये, ठीक है, पूरा कंप्लीट ओल्ड रेशियो है। तो ए का ओल्ड है 3/6 और न्यू आपके पास है 12/30। इसका आप एलसीएम ले लें 15-12 3/30 ए का सेक्रीफाइस आ गया। बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो 2/6 -8/30 10-8 2/30 आ गया आपके पास बी का सेक्रीफाइस। सी का कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 -5/30 5-5 0/30 दैट इज 0। अब वो मैंने आपसे पहले कहा था सी विल गेट इज ओरिजिनल शेयर, तो सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, आप ध्यान से देख लें इसमें सेक्रीफाइस सिर्फ कर रहा है ए और बी। तो ए का सेक्रीफाइस 3/30 और बी का सेक्रीफाइस 2/30, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपके पास आ गया 3:2। बेटा आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा।